Good evening, everyone. It's time to analyze wonderful stories written by your kids. एक पिक्चर दी थी, एक पिक्चर जिसमें a child is embracing a tree, उसको हग कर रहा है, उसको गले लगा रहा है. उस पिक्चर से आपके बच्चों ने इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज वीव करी है, माइंड ब्लोइंग. एक्चुअली में हमारे जीवन में एक छोटा सा बच्चा जब आता है, हम उसको पालते हैं, पोसते हैं और उसको बड़ा कर देते हैं. समय का पता ही नहीं चलता कि वो कब बड़ा हो गया. ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में पेड़ होते हैं जो कब बड़े हो जाते हैं उसका पता ही नहीं चलता, बल्कि हम आप सब उन पेड़ों को बड़ा ही देखते हैं. बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेड़ों को अपने बचपन से लगाया होगा और उनको बड़े होते हुए देखा होगा. बहुत कम, बहुत ही रेयर. यही कुछ कनेक्टिविटी है. ऐसी कुछ कनेक्टिविटी के ऊपर हम अभी आपके बच्चों की स्टोरीज को पढ़ेंगे और उनको एनालाइज करेंगे कि क्या फैक्ट्स उन्होंने निकाल के हमको दिए. शुरू करते हैं रिद्धि से. रिद्धि, यू हैव रिटन अ वेरी गुड स्टोरी. योर टाइटल इज सेव द ट्रीज एंड द मोरल इज सेव द ट्रीज, डोंट कट ट्रीज. दैट्स ब्यूटिफुल. जॉन की स्टोरी है जो पेड़ों से बहुत लगाव रखता है. वो अपने बचपन में एक बनियन ट्री लगाता है और 25 साल बाद जब वो वापस आता है उसी जगह पर और उस बनियन ट्री को जब वो देखता है, सो ही वाज वेरी हैप्पी. उसको ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही कोई उसको मिल गया. सो दैट इज द कनेक्टिविटी व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट इज कृष्णा. कृष्णा, योर टाइटल इज टाइम फॉर नेचर, द डे ऑफ ट्री. द डे ऑफ ट्री, वो एक एनवायरमेंट का दिन जिसमें आपका जो करेक्टर हेनरी है वो सैपलिंग लगाने के लिए जाता है और बहुत सारे लोगों को वही काम करते हुए देखता है. थोड़ा मायूस हो जाता है. उसको लगता है कि ये सारे लोग वही काम कर रहे हैं तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं. तो उसकी मम्मी समझाती है कि बेटा ये तो वो काम है जिसको एक साथ लोग करेंगे तो भी कम होगा और एक साथ ऐसे अच्छे कॉज के लिए हमें एक साथ काम करना चाहिए. देन ही रियलाइज कि ये एक अच्छा काम है. सो इट्स अ गुड स्टोरी. लव ट्रीज विद अनकंडीशनल सिचुएशंस. कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए ट्रीज के लव के लिए. वेरी गुड स्टेटमेंट रिटन. लिव ग्रीन, लव ग्रीन एंड बी ग्रीन. वेरी गुड कृष्णा. नेक्स्ट इज वंशिका. वंशिका, योर टाइटल इज थिंक फॉर नेचर. आपकी स्टोरी में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश्ड कि जानवरों को भी पेड़ों के साथ में एसोसिएशन, एफिलिएशन है. वुड कटर उस जंगल में काटने आता है तो ऑल द एनिमल्स ये सारे इकट्ठे होके उस वुड कटर को भगा देते हैं. सो योर पॉइंट इज कि अगर जानवर ऐसा कर सकते हैं तो हम तो इंसान है. गॉड हैज गिवन अस ब्रेन, अ माइंड टू थिंक एंड वी शुड अगेन, यू नो, योर टाइटल इज थिंक फॉर नेचर. सो हमको वो काम करना चाहिए जिससे नेचर को सपोर्ट मिले. हमको एंटी नेचर कोई काम नहीं करना चाहिए. वेरी गुड. आदित्य श्रीवास्तव, यू हैव रिटन अ माइंड ब्लोइंग स्टोरी लिटिल चैंपियन. योर टाइटल इज बी डेफ. एक छोटा सा बच्चा वॉट इफ यू क्लाइंब अ कोकोनट ट्री और जैसे ही वो शुरू करता है चढ़ना, चारों तरफ से उसको लोग शाउट करने लगते हैं, उसको जोर जोर से इशारे करने लगते हैं, कम डाउन, नीचे आ जाओ, डोंट डू दिस. एंड जब वो देखता है तो उसको लगता है कि ये लोग मेरे को अप्रेज कर रहे हैं, ये लोग मेरे को और मोटिवेट कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हो आप. सो वो ये सोच के उस ट्री पर चढ़ जाता है. एंड लाइफ में इट्स अ वेरी गुड मोरल यू हैव गिवन कि लाइफ में कभी भी हमको नेगेटिव थॉट्स अगर आस पास से सराउंडिंग होती है, वट एवर सराउंडिंग्स वी गेट इन आवर लाइफ, if the surrounding is negative, so we should be deaf to those surroundings. Very good story. Next is Varika. Varika, your story is Value of Tree. A very good story you have written. It's a good title, Value of Tree. James, jo bacha hota hai, wo aisi condition mein phas jata hai ki usko us condition mein realize hota hai ki uske paas kuch bhi khane ko nahi hai aur wo फ्रूट्स खाके पेड़ को, पेड़ से शेल्टर लेके और पेड़ की ही वुड से अपने आप को सेव करता है. एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. यही रियलाइजेशन है कि
वी शुड सेव नेचर, वी शुड सेव ट्रीज, दैट्स द मॉरल. एंड विनायक, विनायक योर टाइटल इज ब्रेव बॉय. आपने भी बहुत ही विषम परिस्थिति में, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमको ब्रेव रहना चाहिए, हमको अपने मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, इस बात पे एम्फसाइज किया. यू हैव रिटन ए गुड स्टोरी, इट्स अ काइंड ऑफ हॉलीवुड काइंड ऑफ यू नो स्टोरी यू हैव रिटन, एंड दैट्स गुड. बट आपको वंस अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट ऑन योर हैंड राइटिंग पार्ट. बेटा यही टाइम है, इसमें थोड़ा सा अपना हैंड राइटिंग पे काम, राइट. एंड नेक्स्ट इज अनुश्री. अनुश्री योर स्टोरी इज अल्टीमेट बिकॉज आई हैव फाउंड इट द मोस्ट कनेक्टिंग स्टोरी, राइट. व्हेन ही सेव्ड हिज फैमिली इन द फॉरेस्ट. सो एक बच्चा राहुल जो जिसका एफिलिएशन, जिसका कनेक्शन ट्रीज के साथ में, फॉरेस्ट के साथ में, पेड़ों के साथ में इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो रेगुलर वहाँ विजिट करता है. वन फाइन डे व्हेन ही फाउंड कि वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जेसीबी मशीन आई है और उन सब पेड़ों को काट रही है. सो उनके सामने आके खड़ा हो जाता है कि मेरे को पहले काटो, उसके बाद इन पेड़ों को काटेंगे. उसके इस एक्ट को देखकर नियर बाई एरिया में जितने भी लोग थे वो सब उसके साथ में आके खड़े हो जाते हैं, उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं. एंड उसको देखकर वो जितना भी गवर्नमेंट मशीनरी के लोग थे वो लोग भी परेशान हो जाते हैं. एंड फाइनली उनको वहां से बैक ऑफ करना पड़ता है. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड वेरी कनेक्टिंग स्टोरी यू हैव रिटन, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. एनीवेज, एंड राघव, नाउ राघव यू हैव गिवन अ वेरी डिफरेंट रे ऑफ लाइट, very different ray of light, because your title is dangerous trees, and we should keep away from the trees, that is your moral. But your story, you've come out with a different value additions, like we have got as on date more than 3 trillion trees on the earth, right. And the most dangerous trees in the categories are sandbox trees and manchineel trees. It's the one of the most dangerous tree of the planet, manchineel tree. So this is the value addition you have given, because you are talking about the facts. Ek taraf jo hamari story ka ek pehlu hai jahan par hum trees ko praise kar rahe hain ya environment ki baat kar rahe hain, at the same point in time aisa bhi to hai ki kahin na kahin wo trees bhi hain jo hamari life ke liye life threatening hai. But these trees are mostly available in north and the south and southern part of the America, right. So that's good, let it be the Americans. And Laksh, your title is fortune of my life. Aapki story is a very different story, jahan par ek bachcha jab wo bada hota hai to uska jo mainstream business hai wo jungle kaat ke lakdi ka, wood ka business karta hai, par finally uski life mein ek u-turn aata hai, because uski life mein koi nahi hota, akela hota hai. jab uski life mein wo u-turn aata hai, usko realize hota hai कि मेरे लाइफ में कोई तो नहीं है, मेरे पेड़ ही मेरी लाइफ है और यही मेरी फैमिली भी है. सो दैट डे ही रियलाइज कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, इन टू के यू टर्न कम्प्लीटली और वो मेन स्ट्रीम बिजनेस को छोड़ के वो दूसरा काम शुरू कर देता. दैट्स अ गुड स्टोरी यू हैव रिटन. एंड यू ऑल्सो पॉइंटेड आउट लाइक ट्रीज गिव्स अस शेड्स, मेडिसिन, एवरीथिंग दे गिव अस एंड दे डोंट आस्क एनीथिंग, राइट. एंड नेक्स्ट इज Sohani. Sohani, you have written a very connecting story, very connecting story. Your title is Kalp Vriksh. Ek bacha Raju, ek chota sa bacha, uske father ki financial condition theek nahi hone ki wajah se unko apna ghar bechna padta hai. Jis ghar mein, jis aangan mein ek ped laga hota hai, Raju uske saath hamesha khelta hai, uska naam wo rakhta hai Taru, aur us Taru ke saath mein wo itna affiliated hota hai, associated hota hai, bonding hoti hai dono ki. जब भी स्कूल से आता है हमेशा उसके नीचे बैठे उसने खेलना होता है, वही काम करना होता है. और एक दिन जब वो मकान बेच दिया जाता है नए लैंडलॉर्ड ने लेवलिंग कराने के लिए, डिमोलिशन कराता है और उस पेड़ को भी जैसे ही काटने के बाद उस राजू को पता चलती है, तो उस पेड़ से जाके लिपट जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि अगर इसको काटना है तो पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा. दैट्स द मोस्ट इमोशनल कनेक्टिविटी. सो उसको देखकर उसके लैंडलॉर्ड को ये कहना पड़ता है कि मुझे इसको नहीं कटवाना, बेटा आप जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, जब चाहो यहाँ खेल सकते हो उसके साथ में. दैट्स द पावर ऑफ दैट यू नो योर इमेजिनेशन, दैट्स गुड. एंड नेक्स्ट इज श्रेयांशी. श्रेयांशी योर टाइटल इज द ट्री. जैसी की एक कहानी है जो
एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने श्रेयन जी यहाँ पर ये मेंशन करी है कि पेड़ हमारे साथ साथ बड़े होते हैं. सो उस स्टोरी में जहाँ पर इस बात को एम्फसाइज किया है कि आज हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ भी हमारे साथ साथ ग्रो करते हैं जैसे हम ग्रो करते हैं. दैट्स द इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी. वेरी गुड थॉट, राइट. एंड नेक्स्ट इज वसुधा. Vasudha, your title is The Boy and the Tree, right? The Boy and the Tree. It's a beautiful story you have weaved. We should be grateful to the trees, right? वो बच्चा जब वो family कहीं picnic पे जाती है, उस जगह पर उनको realize होता है खाना तो कभी भूल आए, और उसके बाद जिस जगह picnic spot पे बैठे होते हैं वहीं fruits खा के उन पेड़ की shelter में वो दिन बिता के उनको ये रियलाइज होता है कि ट्रीज तो हमको सभी कुछ देते हैं. एंड दैट डे दे रियलाइज कि एनवायरनमेंट को सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रीज को सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है. इन सारी स्टोरीज में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सारी स्टोरीज में इन बच्चों ने अपने अपने इनपुट्स दिए हैं. दे हैव डिफरेंट माइंड एंड दे हैव डिफरेंट क्रिएटिविटी. इन सब के उन कुछ कुछ छोटे छोटे हिस्से जो हमको इम्पोर्टेंट लगे हैं वो इनके साथ में मिलके we will finalize one good story. Although we have done our homework, we have already designed the story, but इसमें से वो कुछ point ऐसे हैं जो common हैं. So उसी के ऊपर हम in future movie भी बनाने वाले हैं. And the point is यहाँ पर जो हमने emphasize करना था ना connectivity, जिसको हम सबसे important point था जिसको हम बताना चाहते थे कि हमारी life में हमारी बाकी सबके साथ में कनेक्टिविटी, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्टिविटी है. बिकॉज हम वी कैन टॉक टू ईच अदर, वी कैन अंडरस्टैंड आवर इमोशंस. ह्यूमन टू एनिमल्स भी है, उनके इमोशंस को भी हम समझ में आता है, बट ट्रीज के इमोशंस की बात हम सोचते ही नहीं है. उनके इमोशंस को हम एहसास नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि महसूस करना, एहसास करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात को समझे कि जैसे एक बच्चा हमारे जीवन में, हमारी गोदी में होता है, उसको हम पाल पोस के बड़ा करते हैं. आप चिड़ियों को भी देखते हैं कि वो भी अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, हम भी वही काम करते हैं. लेकिन किसी पेड़ को नहीं देखा होगा अपने सैपलिंग को वो पेड़ खाना खिला रहा हो, क्योंकि ये हमारी मोरल ड्यूटी है. एनवायरमेंट ने, इस सृष्टि ने, संरचना ने हमारी जिम्मेदारी पे दिया है. जो पेड़ एक्सहेल करते हैं हम इनहेल करते हैं, एंड व्हाट एवर वी एक्सहेल दे इनहेल. So, ये जो बॉन्डिंग है, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है. इंसान जब इस धरती पे आता है, हमारे जीवन में बच्चे आते हैं, हम मिठाई बांटते हैं और उनका एक साल पूरा होने पर उनका पहला बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. और वही इंसान जब यहाँ से जाता है तो दो वयस्क पेड़ अपने साथ लेकर जाता है. इस बात को जरा गहराई से समझिएगा. जब वो आता है तो एक भी पेड़ शायद हम नहीं लगा पाते उसके लिए, और जब वो जाता है तो दो वयस्क पेड़ लेकर चला जाता है. हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के नाम से कम उन्हीं के नाम राशि का एक पेड़ को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे बच्चों के साथ साथ वो पेड़ को बड़ा होते हुए हम देखें. और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें ऑक्सीजन पार्लर की जरूरत ना पड़े, ना ही उन बच्चों को ऐसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़े. थैंक यू सो मच. इट्स अ वंडरफुल स्टोरीज यू हैव रिटन. माइंड ब्लोइंग. गुड बाय फॉर नाउ.